स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, हम लोग अपनी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिशन की तो बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और किस तरीके से वो हमें हेल्दी रखती है। लेकिन आज इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ये क्लास 7 का लेसन 1 है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा और एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। न्यूट्रिशन और उसके कौन कौन से तरीके हैं, कितने तरीके की न्यूट्रिशन होते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है। किस किस चीज़ के लिए होती है? ग्रो करने के लिए, रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। बॉडीज़ को जितने भी डैमेज हुए हैं पार्ट्स, उन्हें रिपेयर करने के लिए चोट लगती है। बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, इन्हें तो लगती है, प्लांट्स को भी चोट लगती है। पता है, प्लांट्स की कोई टहनी टूट जाती है, पत्ता कट जाता है, तो ये सब भी एक तरह से, तभी क्या होता है, वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं, तो वो एक तरह के रिपेयर हो गया। एंड गेट एनर्जी, और तीसरा एनर्जी लेने के लिए, जिसमें कि टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि लाइफ को आगे बढ़ाया जा सके, जीने के लिए, दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सबकी बात हो रही है, उसमें हर तरीके के प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और ह्यूमन बीइंग्स आ गए। You also know that the components of food that are necessary for our body are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. हमें सबको पता है, हम पहले की भी बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी को किस किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये चैप्टर प्लांट्स के बारे में है, दूसरा इसके बारे में मैं अपनी 6th क्लास की बुक में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं सब को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। The process of taking in food by an organism, किसी भी organism में जो food लेने का process होता है, and its utilization, और उसका use, utilization मतलब use होना, body के साथ, body जो use ले करती है उस food को जो आप लोगों ने खाया है या किसी भी organism ने खाया है, उसी को nutrition कहा जाता है। The energy from food is obtained by two processes. अब एनर्जी जो फूड से लिया है या मिली है, फूड खाने के बाद जो एनर्जी मिली है, वो दो प्रोसेस से मिलते हैं, एक तो न्यूट्रिशन से और दूसरा रेस्पिरेशन से। द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड जितना मतलब यानी दुनिया की बात हो रही है। दुनिया किससे बनी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे तो दुनिया का क्या काम होगा? कुछ भी नहीं है। शो टू काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें दो तरीके के न्यूट्रिशन पता चलते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन्हें मैं आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में यही बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों जो अपना फूड खुद बनाते हैं या वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में आ जाता है जो अपनी फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हेटरोट्रॉफिक बोला जाता है। अब इसी के बारे में डिटेल आ रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अब हम देखेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन कितने रॉ मटेरियल, बहुत सिंपल तरीके के रॉ मटेरियल्स की उन्हें ज़रूरत होती है। अब वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से वो लेते हैं, वाटर जो सॉइल से लेते हैं। प्लांट्स गेट द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम
सनलाइट, ये तो उन्हें चाहिए जहाँ जहाँ से लेते हैं, लेकिन एनर्जी वो सनलाइट से ही लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस मीड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो मोड होता है, ये जो तरीका होता है न्यूट्रिशंस लेने का ग्रीन प्लांट्स का, अपने आप खुद खाना बनाने का, फूड बनाने का, वो उसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिज्म्स होता है फीडिंग, यानी खुद ही खाना बना के खाना। सच प्लांट्स आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और इस तरीके के प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। द सेल्स ऑफ लिविंग द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स में जो सेल्स होते हैं एंड यंग स्टेम्स ऑफ अ प्लांट, और प्लांट की जो नई निकली हुई स्टेम्स होती है, कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये जितने भी ब्लू से आपका हाईलाइटेड जितने भी टर्म्स आ रहे हैं या वर्ड्स आ रहे हैं बच्चों, इन्हें ज़रूर समझ के इन्हें लर्न करना है, क्योंकि यही वन वर्ड में आंसर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर होता है, जो इसे क्लोरोफिल बोलते हैं, तभी सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। इट इज़ क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी, यही क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं एयर में से। अब वो भी कैसे लेते, थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू वो एयर्स को अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे हम नोज से अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, यानी लेते हैं, इसी तरीके से स्टोमेटा से वो ब्रीदिंग करते हैं, ये बोला जा सकता है। दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, ये लीव्स के नीचे की साइड में ये पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोला गया है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स, ये जो स्टोमेटा होता है ये गॉड सेल्स से घिरा हुआ होता है। द गॉड सेल कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये जो गॉड सेल्स होते हैं यही स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, यानी उन्हीं के कंट्रोल में ये होता है। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, अब वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया है, क्योंकि हम पानी किस या बारिश भी होती है तो भी पानी सॉइल में ही जाता है, ऐसे ही हम भी अपने घरों में गमलों में पानी डालते हैं, लॉन में पानी डालते हैं, तो हम सॉइल के अंदर ही डालते हैं, जिससे कि वो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स हेयर से। जो भी रूट्स होती हैं उनमें जो हेयर होते हैं वो उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड, अब जो वाटर और मिनरल है एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, अब जो रूट्स ने पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है अब वो लीव्स तक पहुंचाया गया है। थ्रू जाइलम, कैसे, जाइलम के थ्रू, ये एक तरीके के वेसल्स होती हैं, ट्यूब होती है एक तरह से बच्चों, जैसे स्ट्रॉ होता है, आप जूस लिया आपने या मिल्क शेक लिया है और स्ट्रॉ से आप उसे पी रहे हैं, तो वो स्ट्रॉ के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। इसी तरह से जाइलम वेसल्स होते हैं, ट्यूब की तरह से होते हैं, जिसकी वजह से रूट्स से लीव्स तक, यानी ऊपर की साइड पानी और मिनरल्स पहुंचता है। दैट आर लाइक पाइप्स, पाइप्स की तरह से होते हैं या ट्यूब्स, जो मैंने आपको स्ट्रॉ का एक एग्जांपल दिया है। दीज पाइप्स रन थ्रू द रूट्स, ये जो पाइप्स होते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, रूट्स से स्टार्ट होते हैं, फिर स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक इनकी पाइप्स निकली हुई होती हैं। इसी वजह से जो भी वाटर और मिनरल लिया जाता है रूट्स से वो स्टेम्स, ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंच जाता है। यू विल रेड अबाउट दीज जाइलम वेसल्स इन हायर क्लासेस, ये तो श्योर है कि जाइलम वेसल्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में तो हमें बड़ी क्लासेस में ही पता चलेगा। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, अब जो सन से जो एनर्जी मिली है उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट, उस टाइम पर एक केमिकल रिएक्शन होता है ग्रीन पार्ट्स में ऑफ द प्लांट,
इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आर कन्वर्टेड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं फूड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब फूड में भी किस तरीके का? ग्लूकोज के फॉर्म में। हमारी जैसे किचन में खाना बनता है तो अलग अलग वैरायटी बनती है, ठीक है, और अलग अलग हमें सामान की भी ज़रूरत पड़ती है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स के साथ तो ऐसा नहीं होता है। उनका जो फूड होता है वो ग्लूकोज के ही फॉर्म में बनता है। और ये रिएक्शन है बच्चों, रिएक्ट्स विद ग्लूकोज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट किया है तो उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो फूड बना है, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही हुआ है और इसी को फोटोसिंथेसिस कहा गया है। अब फोटो के मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि सन से हमें लाइट मिलती है, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी लाइट मिलती है। और सिंथेसाइज क्या हो जाता है, जो ये मतलब है, सिंथेसाइज का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन कॉम्पोनेंट्स का है। इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? एक तो लाइट तो है ही, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब भी कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें कि फूड बनकर तैयार हुआ है। दस फोटोसिंथेसिस कंबाइंस द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स की ही वजह से वो कंबाइन होता है, मिलता है, जो कि एनवायरनमेंट में होता है, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन हुआ तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो फूड बना। द फूड सिंथेसाइज्ड by the green leaves is transported to the other parts of the plant by the stem. अब ये जो food बना है, तैयार हुआ है green leaves के द्वारा, तो वो plant के बाकी stems, जैसे हो गई बाकी parts तक भी पहुँचता है। कैसे? वो stem के through पहुँचता है। In most plants, ज़्यादातर जो plants होते हैं, glucose is converted into starch. तो जो glucose बना है food के form में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद में ये स्टोर हो जाता है लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में। यहाँ पर वो स्टार्च पूरी तरह से स्टोर हो जाता है। द फूड दैट प्लांट्स मेक इज यूज्ड नॉट ओनली बाय देमसेल्व्स, फूड जो होता है प्लांट में जो बन रहा है वो केवल अपने लिए नहीं बन रहा, केवल फूड जो बनाते हैं प्लांट्स वो केवल और केवल अपने लिए नहीं बनाते हैं, बट ऑल्सो बाय द एंटायर लिविंग बर्ड्स, जबकि ये पूरी पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है जो प्लांट्स बनाते हैं। अब उसके लिए कैसे है? अब एंटायर वर्ड्स में भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसमें बोला है एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो प्लांट्स का जितना भी न्यूट्रिशन उन्होंने स्टोर किया है अपने लीव्स, स्टेम और रूट्स में, तो वो सारा न्यूट्रिशन एनिमल्स को मिलता है। और हम लोग भी तो खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, विंटर्स में तो सारे ही ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, तो उनका जो बनाया हुआ प्रिपेयर्ड फूड होता है प्लांट्स का, वो हम तक भी पहुँचता है। इसीलिए आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल्स भी हम तक पहुँचते हैं, तो वो केवल अपने लिए फूड नहीं बनाते, वो पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए ही फूड बनाते हैं। बिसाइड एज यू ऑलरेडी नो, फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। ये तो हुआ है फूड का काम जो सबके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो और क्या काम कर रहे हैं? वो बैलेंस करने का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन कर रख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जिस टाइम वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, फूड बना रहे होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से वो बैलेंस बना रहता है। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो हम कह सकते हैं इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा या एब्सेंस होगी उसकी, तो लाइफ पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगी। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस इज टू फाइंड आउट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन आवर लीफ। बहुत सिंपल मेथड होता है ये टेस्ट करने का, कि कहीं भी किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है तो उसको पता करना है कि लीफ में स्टार्च की प्रेजेंट
है या नहीं है, लीफ में स्टार्च है या नहीं है, क्योंकि वही स्टार्च बन जाता है जब वो फूड बनाने का प्रोसेस उनका होता है। बच्चों यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके बुक में रखी हैं, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको केवल एक्टिविटीज़ के बारे में ही पता रहेगा, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो हम केवल मेन पार्ट को ही लेते हैं, इसमें यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस एज आर एज फॉलोज। पहला है इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, अगेन मतलब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी है। फिर है प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का होना ज़रूरी है, लाइट में कौन से, ट्यूब लाइट नहीं बच्चों, इसमें लाइट आ रही है सनलाइट। नेक्स्ट आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे आज के टाइम में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है अब एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। देन आ रहा है नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब वाटर का होना भी ज़रूरी है। अगर ये सब मिल जाते हैं, यहाँ पर फोर बताए गए हैं, यहाँ पर ये सब मिल जाते हैं तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पर अगेन एक्टिविटीज़ के बारे में ही दे रखा है 2, 3, 4 एंड 5 में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसाइज ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स। प्लांट सिंथेसाइज जब कर रहे हैं फूड का, सिंथेसाइज क्या मतलब बताया था मैंने पीछे, जिसमें कि मतलब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं कंबाइन करके, उसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट्स सिंथेसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इन तीनों से बना हुआ होता है। These are used to synthesize other components of food, such as proteins and fats. इसके अलावा सिंथेसाइज जो किया गया है, इसके अलावा और भी वो यूज़ करते हैं कॉम्पोनेंट्स को फूड के, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। दो, एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जबकि हमें पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, लेकिन प्लांट्स वो सीधे तरीके से वो उसको अपने अंदर नहीं ले सकते हैं प्लांट्स, क्योंकि उन्हें, जबकि उन्हें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, लेकिन वो फिर भी नाइट्रोजन को पूरी तरीके से अपने अंदर डायरेक्ट वे में नहीं ले सकते हैं, कि वो हवा से जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का वो करते हैं यूज़, लेकिन वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। ये कैसे मिलता है इन्हें, दे गेट नाइट्रोजन इन टू वेज, उन्हें दो तरीके से नाइट्रोजन मिलता है प्लांट्स को। बच्चे ये जो नाइट्रोजन वाला है, इसके बारे में डिटेल चैप्टर पूरा 8th स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा, उसमें आपको बहुत डिटेल में नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर से नीचे हम तक या प्लांट्स तक नाइट्रोजन कैसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ बहुत शॉर्ट वे में बताया गया है, ये भी सफिशिएंट है कि नाइट्रोजन प्लांट्स किस तरीके से लेते हैं, वो दो तरीके कौन से हैं। सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर, या दूसरा हम कह सकते हैं ये राइजोबियम जो होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ये रूट्स में पाया जाता है। दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू वाटर सोलबल कॉम्पाउंड्स। ये सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं और वहीं पर राइजोबियम रहता है, जो कि जब नाइट्रोजन मिलता है एटमॉस्फेयर से, इसको नाइट्रोजन मिलता है, यही कन्वर्ट कर देता है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में। अब ये भी कैसे करता है, जैसे बारिश आती है, बारिश के साथ में, बारिश के पानी के साथ में नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया, पानी के अंदर घुल गया है, और राइजोबियम यही वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुंचाते हैं उसे एब्जॉर्ब करके। प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज कंपाउंड्स अलॉन्ग विद वाटर टू गेट नाइट्रोजन। अब फिर प्लांट्स पानी के थ्रू इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट्रोजन मिल जाता है। और दूसरा तरीका कौन सा है, फार्मर्स एड फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा फार्मर्स फर्टिलाइजर भी डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है,
और वो सॉइल के अंदर होता है, तभी तो फार्मर्स थोड़े थोड़े टाइम बाद फर्टिलाइजर्स को या मैन्योर को डालते रहते हैं, खाद पानी देते रहते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और फिर ये क्या होता है, सॉइल में जितना भी फर्टिलाइजर्स डाला गया है नाइट्रोजन का, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें वापस से इस मेथड के थ्रू भी नाइट्रोजन मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो रहा है। सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। और फर्स्ट पार्ट में जो भी मैंने आपको समझाया है, आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना तो आप जाएंगे ही नहीं, मुझे पता है इस चीज़ का। और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप बहुत कोऑपरेशन करेंगे मुझे इस चीज़ में। चलिए सेकेंड पार्ट तक के लिए बाय बाय।